अलीगढ़ के थाना महुआखेड़ा इलाके के धनीपुर मंडी के पीछे लंबे अरसे से राशन के चावल की कालाबाजारी कर रहे राशन माफिया गजेंद्र के गोदाम पर अपर जिलाधिकारी अमित भट्ट के नेतृत्व में एसीएम अमन अंसारी व डीएसओ की संयुक्त टीम ने मुखबिर की खास सूचना पर छापामार कार्रवाई को अंजाम दे दिया। ये छापामार कार्रवाई देर रात तक चलती रही। इस कार्रवाई में कालाबाजारी किए जा रहे गरीबों के राशन के 150 बोरे गोदाम के भीतर व कैंटर और छोटा हाथी लदे हुए मिले। एसीएम प्रथम अमन अंसारी व डीएसओ शिवकांत पांडे ने बताया कि गजेंद्र लंबे अरसे से राशन माफिया घोषित है। इसके विरुद्ध पहले भी कई कार्रवाई हो चुकी है। एक बार फिर से इसके गोदाम में 150 बोरे राशन के भरे हुए मिले हैं। मौके पर इलाका पुलिस को बुलाकर गोदाम को सील किया जा रहा है। वहीं दूसरी कार्रवाई ऊपरकोट इलाके में राशन माफिया सरफराज के गोदाम पर की गई, जहां 250 से अधिक बोरे मिले। डीएसओ की संयुक्त टीम ने गोदाम को सील किया। मौके से कैंटर व अन्य लोडर वाहन भी बरामद किए गए, जिसमें माल भरा जा रहा था। छापामार कार्रवाई की सूचना से पहले ही गोदाम पर से राशन माफिया व लेबर के साथ फरार हो गए। डीएसओ ने जानकारी देते हुए बताया कि करीब दोनों कार्रवाईयों में 400 से अधिक बोरे बरामद किए गए हैं। खेड़ा में गजेंद्र पप्पू नामक हिस्ट्री शीटर के गोडाउन में हम लोग ने अवैध रूप से चावल बेचे जाने को पकड़ा है और करीब 150 बोरियां यहां पर पकड़ी गई हैं। सर, कब से ये काम कर रहे थे, लगभग कुछ जानकारी इनके बारे में ली अभी? अभी जानकारी और इकट्ठी करी जाएगी। अभी जानकारी तो कई दिनों से इसको ऐसा लग रहा है कि कई दिनों से यहां पर खरीद फरोख्त हो रही है। बाकी अभी इसकी आगे तो सीज की जा रही है। जी बिल्कुल, सीज किया जाएगा। हिस्ट्री शीटर है जी। सर, इसके बराबर में दुकानें के वो भी सीज की जाएंगी? अभी उसका नहीं पता। चावल की अवैध खरीद फरोख्त और कालाबाजारी का काम किया जा रहा है इस परिसर में। ये धनीपुर मंडी के पीछे है और ओम प्रकाश ठेकेदार का कोई ये कंपाउंड है, उसमें गजेंद्र उर्फ पप्पू जो पहले से खाद्यान्न माफिया घोषित है, इनके द्वारा ये सूचना ऐसी मिली है कि यहाँ पे जो है खाद्यान्न की जो चावल है इसकी खरीद फरोख्त की जाती है। कितने कट्टा लगभग होगा यह खाद्यान्न? ये 200 से 250 के करीब जो है कट्टे हैं। दो गाड़ियाँ हैं इसमें भरे हुए हैं। अभी तक कोई भी व्यक्ति नहीं यहाँ पर प्रेजेंट हुआ है और जो आपके सामने मौजूद है ये खाद्यान्न है। तो सरकारी चावल है सर ये? देखिए, सरकारी चावल तो ये राशन का चावल जो होता है वो गरीब लोगों को जो वितरित होता है, वितरण के बाद वो खाते हैं या क्या करते हैं, तो समस्त ये सूचना मिलती है कि जो टिर्रियाँ होती हैं उनके द्वारा लोगों से खरीद फरोख्त की जाती है, इनके द्वारा जो लोगों से ये चावल जो है इधर उधर ये लोग खरीद फरोख्त के धंधे में ही लिप्त रहते हैं। फिर क्या मुकदमा दर्ज किया जाएगा इनके खिलाफ? हाँ, इसमें अवैध तरीके से कालाबाजारी का जो मुकदमा होगा वो 3/7 के अंतर्गत दर्ज किया जाएगा। अन्य कार्रवाई हुई है सर जिले में? हाँ, एक आज अन्य कार्रवाई हुई है जिसमें एक सरफराज नामक जो है व्यक्ति है उसके पास से भी इसी तरह का चावल जो है बरामद हुआ है, जिसमें करीब 200 से 250 कट्टे उनके पास जो है वहाँ भी कार्रवाई प्रचलित है। या वो गोदाम सीज वगैरह किया था वहाँ पे? हाँ, वहाँ पे भी इसी तरह का माल बरामद हुआ है जिसमें समझ जो है उठा करके उसको जब्त कर लिया गया। ठीक, आप सर इधर आइए, दूसरी गाड़ी में इधर आ जाइए।